चेचक के टीके के अनुसंधानकर्ता एडवर्ड जेनर की जीवनी। एडवर्ड जेनर का जन्म 17 मई 1749 को इंग्लैंड के बर्कले नगर में हुआ था। अपने नगर में सामान्य शिक्षा के अनंतर जेनर ने चिकित्सा विज्ञान का शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्राप्त किया। लगभग 250 से 300 वर्ष पूर्व तक पाश्चात्य देशों में चेचक सर्वाधिक भयानक रोग माना जाता था। भारत की भी स्थिति इससे भिन्न नहीं थी। इस रोग के कारण अनेक मनुष्यों की मृत्यु हो जाया करती थी और जो इससे बच भी जाते थे उनका चेहरा बड़ा विकृत सा हो जाता था। भारत में इसको शीतला माता कहा जाता है और इसकी चिकित्सा कम टोने टोटके अधिक किए जाते थे। इसे शीतला माता का प्रकोप माना जाता था। अच्छा, टोने टोटके इसलिए क्योंकि भारत तब पराधीन था और चिकित्सा विज्ञान की प्रगति इतनी नहीं हुई थी। इस रोग के कारण अनेक लोगों की आंखें खराब हो जाया करती थी। यह रोग महामारी की भांति नगर, गांव, कस्बे में जब प्रविष्ट होता तो महामारी का रूप लेकर सर्वत्र फैल जाया करता था। यह छूत का रोग है। इसके विषय में यह प्रसिद्ध है कि जिस किसी को एक बार चेचक हो जाती थी उसको फिर दोबारा नहीं होती थी। इसके विषय में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हो गई थी। भारत में अंधविश्वास अपनी जड़ जमा चुका था, अतः चिकित्सा की अपेक्षा माता के पूजन अथवा टोटके अधिक किए जाते थे। उधर इंग्लैंड आदि देशों में इसके विषय में यह धारणा फैल गई थी कि गायों का दूध दूहने वाले ग्वालिनों को, जिन्हें एक बार गौ शीतला हो जाती, उन्हें भी चेचक नहीं निकलेगी। इस भयंकर रोग से मुक्ति दिलाने का श्रेय एडवर्ड जेनर को प्राप्त है। अपनी आयुर्विज्ञान की पढ़ाई समाप्त करने के उपरांत वे एक शल्य चिकित्सक के रूप में बड़े विख्यात हो गए थे और उन्होंने ही चेचक के टीके का आविष्कार किया था। बाल्यकाल से ही जेनर की इच्छा प्राकृतिक इतिहास के अध्ययन की थी। उन्होंने बड़ी लगन के साथ आयुर्विज्ञान की शिक्षा आरंभ की। उस समय में जो लोग यह शिक्षा लेना चाहते थे उन्हें पहले किसी अनुभवी डॉक्टर की देखरेख में प्रशिक्षण लेना पड़ता था। इस प्रशिक्षण की समाप्ति के अनंतर छात्रों को 2 वर्ष तक किसी मेडिकल कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। एडवर्ड जेनर ने 13 वर्ष की आयु में ब्रिस्टन के पास साडबरी नामक एक छोटे से गाँव में शिक्षा प्राप्त करनी आरम्भ की और उसके बाद उन्होंने लंदन के एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक जॉन हंटर की देखरेख में अध्ययन किया। यह अध्ययन उनका 21 वर्ष तक चालू रहा था। उनके प्रशिक्षण की अवधि में सन 1766 में एक ग्वालिन डॉक्टर हंटर के पास किसी विषय में परामर्श करने के लिए आई। जिस समय वह आई थी उस समय वहां चेचक पर कुछ चर्चा चल रही थी। चर्चा में भाग लेते हुए ग्वालिन ने कहा उसे चेचक जैसा भयंकर रोग नहीं हो सकता क्योंकि उसे काउपॉक्स हो चुका है। यह रोग गाय के थनों से आरंभ होकर के होता था और जो भी उस गाय का दूध दूहता उसको यह ग्रास लेता है। तदपि चेचक की भांति इस रोग में रोगी को अत्यधिक कष्ट नहीं होता था। एडवर्ड जेनर ने अपना प्रशिक्षण सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लंदन में लिया था। प्रशिक्षण पूरा करने पर जेनर ने 1771 में अपने गाँव वापस लौट आए थे। वहीं उन्होंने अपने चिकित्सा कार्य आरंभ किया। कई वर्ष बाद एक दिन जेनर को लंदन में हुई ग्वालिन की बात का स्मरण हो आया। उन्होंने सत्यता जानने के लिए गांव वालों से पूछताछ की तो उन्होंने भी ग्वालिन की बात की पुष्टि की कि जिन्हें भी एक बार गौ शीतला हो जाए फिर उस व्यक्ति को चेचक का रोग नहीं होता। गाँव में रहते हुए जेनर अपना चिकित्सा व्यवसाय करते रहे किंतु मन में उनके चेचक के विषय में कुछ न कुछ विचार आते रहते थे। आखिरकार उन्होंने सन 1796 में इस रोग पर प्रशिक्षण करने का विचार बना लिया। तभी उनको भी ऐसी ग्वालिन मिल गई जिनको गौ शीतला का प्रकोप हो चुका था। संयोगवश उसकी एक उंगली में अभी उसका घाव भी विद्यमान था। एडवर्ड जेनर ने उस घाव से इंजेक्शन की सुई से कुछ द्रव लिया और एक 8 वर्ष के जेम्स फिलिप नामक बच्चे को उसका इंजेक्शन लगा दिया। परिणाम स्वरूप उस बालक पर गुट शीतला रोग का हल्का सा प्रभाव हो गया। उसकी चिकित्सा हो गई और वह स्वस्थ हो गया। उसके 7 सप्ताह बाद जेनर ने एक अन्य व्यक्ति के चेचक के घाव से कुछ पीव लेकर उसके लड़के को उस पीव का इंजेक्शन लगा दिया। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि उस लड़के को चेचक निकलने के कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए। अब जेनर को विश्वास हो गया कि जब उसको गौ शीतला का इंजेक्शन लगाया गया था और उस पर उसका प्रकोप भी हुआ था
यह निश्चित हो गया कि गौ शीतला के प्रकोप को झेलने वाली को चेचक नहीं हो सकती। उस ग्वालिन के कथन की भी इस परीक्षण से पुष्टि हो गई। जेन्नर इस प्रकार प्रयोग करता रहा, किंतु जनसाधारण को इसमें डॉक्टर जेन्नर का कुछ खास दिखाई देने लग गया था और लोग उसके विषय में विभिन्न प्रकार की बातें भी करने लग गए थे। कुछ लोगों की मान्यता थी कि गौ शीतला और चेचक दो विभिन्न रोग हैं, अतः गौ शीतला के द्रव का टीका लगाने से चेचक के रोग से बचाव नहीं हो सकता। इस प्रकार अनेक लोगों ने जेन्नर के विरुद्ध एक विचित्र प्रकार के विरोधी प्रचार करना आरंभ कर दिया। उन्होंने इसे प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप करने वाला भी सिद्ध करना चाहा। एडवर्ड जेन्नर ने इन आरोपों का प्रबल शब्दों में खंडन करते हुए कहा, जब मनुष्य हजारों वर्षों से जानवरों का मांस खाता आ रहा है, गाय का दूध पीता आ रहा है, तब तो उसे इन कार्यों के प्रति घृणा नहीं हुई, किंतु एक भयंकर रोग की चिकित्सा के लिए गौ शीतला के द्रव से उसे घृणा का आभास क्यों होता है? यह सब मिथ्या धारणा है, इससे किसी को किसी प्रकार की घृणा का आभास नहीं होना चाहिए। एडवर्ड जेन्नर ने जन समुदाय के आरोपों की ओर ध्यान देना छोड़ दिया। उन्होंने चेचक के रोग की चिकित्सा ढूंढने का यत्न किया और इस कार्य के लिए वे गौ शीतला से ग्रस्त रोगियों से उसका द्रव एकत्रित करने में अपना समय बिताने लगे। इस प्रकार उस द्रव से जेन्नर ने चेचक रोधी इंजेक्शन का आविष्कार किया, जो सफल सिद्ध हुआ और धीरे धीरे जेन्नर की यशोगाथा सर्वत्र विस्तार प्राप्त करने लगी। लोग चेचक के प्रकोप से बचने के लिए उनके द्वारा आविष्कारित टीके लगाने लगे। टीके का आविष्कार हो जाने पर विश्व भर में उसके टीके लगाए जाने लगे और जेन्नर के आविष्कार की ख्याति होने लगी। उसके बाद अनेक देशों ने उन्हें सम्मानित किया। सन 1802 और सन 1806 में ब्रिटिश संसद ने जेन्नर को बहुत सारा धन देकर सम्मानित किया था। एडवर्ड जेन्नर द्वारा आविष्कारित चेचक के टीके का यह परिणाम है कि आज विश्व के लगभग सभी देशों में चेचक जैसे भयंकर घातक रोग से मुक्ति पा ली है। यूं जेन्नर की जीवन चर्चा चल रही थी, सन 1823 में प्रथम मास में जनवरी 26 को बर्कले में इस महान आविष्कारक की जीवन लीला समाप्त हो गई। यद्यपि एडवर्ड जेनर विश्व में जीवित नहीं है, मानव प्राणी का मरण अवश्यंभावी है, तदपि अपने आविष्कार के कारण वे सदा सदा के लिए इस संसार में जीवित रहेंगे, उनकी यशोगाथा जीवित रहेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।